चौपाई है, गही छा सक सो ने उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। सुनिएगा, मैं मतलब आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का है, राइट। सो गही छा सक सो ने उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। राइट, ताही मारी मारुत सुत बीरा, यही विधि पार गऊ मति धीरा, तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब मतलब समझाता हूं, राइट। सुन लिया सभी लोगों ने? सो मतलब समझाता हूं आपको। मतलब ये है, आपने रामायण जरूर देखी होगी, सुनी होगी, राइट। सो उसमें जब हनुमान जी को पता लग जाता है कि सीता माता रावण की कैद में है और वहां पे आपको जाके पता लगाना है, तो जब वो निकलते हैं तो उनके पास में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं रास्ते में, जैसा कि हमारी लाइफ में अक्सर आते हैं, राइट। तो जो दूसरा बैरियर आता है ना, वो एक ऐसी राक्षसी होती है जो ना आपकी हवा में परछाई पकड़ लेती है पानी में, और आप जो उससे वध करके और उसके बाद में अपना आहार बनाती थी, राइट। तो हनुमान जी ने उसका ये कपट छीन लिया, मतलब पहचान लिया, और उसके बाद में उसको वध करके उसको परम गति को प्राप्त करवाया, राइट। सो हमारी लाइफ में क्या होता है, हमें क्या करना है, ये हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग ना हमें रोकने की कोशिश करते हैं, कई बार अच्छे के लिए करते हैं, कई बार गलत के लिए करते हैं, कई बार आपको ना ऑफर करते होंगे लोग चीज। अभी आपको न्यू ईयर पे आपने देखा होगा, अरे थोड़ी सी मिठाई से क्या होता है, ऐसा कितने लोगों ने सुनने को मिला, अरे थोड़ी सी मिठाई, अरे एक पिज्जा के स्लाइस से क्या होता है, एक तो खा ही सकते हो आप तो इतने बढ़िया कोच हो, डेली शेक पीते हो, एक तो चली जाएगा। नेगेटिव लोगों से, इन्फ्लुएंस से, नेगेटिव नहीं होंगे तो भी आपको इन्फ्लुएंस होने से ना अपनी परछाई तक को बचाना चाहिए, राइट। अपनी परछाई तक को ऐसे लोगों से बचाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने एक फिक्स्ड गोल के ऊपर लगे हुए हैं तो आपको सिर्फ गोल पे ध्यान होना चाहिए। हनुमान जी ने बिल्कुल रुक के बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं लिया एक भी जगह पे, राइट। बहुत सारे बैरियर्स आए थे, तो अगर आप किसी जर्नी पे हैं तो ब्रेक लेने के चक्कर में ना रहें, अपनी जर्नी पे फोकस रहें, राइट।